हाय फ्रेंड्स, ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं ये है हिबिस्कस यानी सूफ्लावर। एनी वार्म एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यह इजीली ग्रो कर जाता है और पूजा आदि में रेड सूफ्लावर तो यूज होता ही है और इसीलिए लगभग आप सभी इसी से परिचित हैं। हमने भी इसके कई सारे वेराइटी बोथ पॉट्स में एंड ग्राउंड में लगा रखे है, बट इस बार एक पौधे में रेनी सीजन के बाद इसमें मिली बग अटैक करने के कारण पूरा पौधा खराब हो रहा था। तो इसे हम कैसे ट्रीट किए ताकि विद इन अ मंथ यह अगेन हेल्दी हो गया, चलिए जानते हैं। और इसके लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक के ही देखें। तो स्वागत है आप सभी को हमारे गार्डन में। सबसे पहले ये जो व्हाइटिश फ्लफी मास स्टेम्स में या फिर लीव्स के नीचे और बर्ड्स के पास आप देख रहे हैं, ये है मिली बग्स। हमारे ये पिंक हिबिस्कस प्लांट में बहुत ज्यादा इसका टॉक्सिक अटैक हुआ है, आप देख सकते हैं। लीफ कर्लिंग तथा बर्ड आदि डैमेज करके और पूरे प्लांट के सेल सैप को खा के प्लांट को यह मिली बग्स वीक बना देते हैं। तो इसे बहुत इजीली और घर पर ही अवेलेबल चीजों से इसे कैसे हटाए, चलिए देखें। अगर आपके प्लांट में ओनली थोड़ा सा ये व्हाइटिश स्पॉट दिखे मिलीबग्स के, तो तुरंत उसी पोर्शन को कटर से कट करें एंड सोप वाटर में प्लांट को स्प्रे करें। एंड अगर आपका प्लांट छोटा है और अर्लियर आप इसे नोटिस कर लिए हैं, तो रिमूव इट बाय स्क्रैपिंग। इसे अच्छे से ग्लोव्स आदि पहन के स्काल्पेल आदि से रब करके निकाले एंड अगेन इसमें सोप वाटर स्प्रे करें। बट अगर आपका प्लांट थोड़ा बड़ा है और किसी कारण से अर्ली स्टेज में आप इसे नोटिस नहीं कर पाए हैं, तो घर पर जो हैंड सैनिटाइजर आप यूज करते हैं उसके 2 टेबल स्पून लेके 1 मग पानी में मिला के अच्छे से इसमें स्प्रे करें। यह हैंड सैनिटाइजर तो आजकल सभी के घर में होता है और आपको बता दे इसमें मेनली होता है अल्कोहल, यूजुअली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर असर दिखाता है और इसीलिए मिली बग्स को तुरंत मार देता है। तो इसलिए हर वीक आप इसे रेगुलरली स्प्रे करें। नेक्स्ट पॉइंट, और अगर आपके पास यह तुरंत अवेलेबल नहीं है, तो शैम्पू जो आप घर पर ही यूज करते हैं उसका 2 चम्मच ले 1 मग पानी में और उसे अच्छे से प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू होने से सबसे बेस्ट है। यह इसलिए कि इसमें जो सोडियम लरिल सल्फेट रहता है, यह एक सर्फेक्टेंट है और क्लींजिंग एजेंट भी है, तो यह अच्छे से मिली बग्स को सरफेस से ही निकाल देता है। देन और एक प्रोसेस है जिसे कि हमने आजमाया था और हमारा पूरा बॉक्स इसी से ही निकल गए, ये है नीम ऑयल। इसे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। एक्चुअली इसमें एजाडिरैक्टिन होने के कारण यह जल्दी ही मिली बॉक्स को किल कर देता है। पर दोस्तों, किसी भी प्रोसेस को आप आजमाए इसे रेगुलरली 1 वीक एंड एटलीस्ट 4 वीक तक के ही करें। चाहे तो हेल्दी पौधा के लिए आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें, यह स्प्रे आप इवनिंग के टाइम में ही करें, क्योंकि यूजुअली आफ्टरनून में प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू रहता है, तो इसीलिए प्लांट को डिस्टर्ब ना करें एंड अदरवाइज आपका लीव्स जो है वो मुरझाया हुआ दिखेगा आपको। तो दोस्तों, अभी तो आप जान गए होंगे मिली बग्स को बाय बाय करने का राज। अगर ये आपको आपके और किसी भी प्लांट्स में दिखे, जैसे कि टमाटो ब्रिंजल आदि में अगर ये दिखता है, तो इसी प्रोसेस से ही उसको ठीक करें। और ऐसे ही और होम रेमेडीज देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अगर आप हिबिस्कस टी का प्रिपरेशन जानना चाहेंगे, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को आप क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू ऑल।